खबर चमोली से है, जहां देवाल विकासखंड के मानमती में एक साल पहले हुए पिंकी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे हत्या आरोपी गुलाब सिंह को कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम कर्णप्रयाग के पास सिमली बैंड से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक वर्ष पूर्व मानमती गांव में गुलाब सिंह ने बेरहमी से पिंकी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही हत्या का आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। बावजूद इसके आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका, लेकिन जब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मामले में उप महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज ने पुलिस टीम के लिए 30,000 रूपये के नगद पुरस्कार की भी घोषणा की है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। २०२१ को एक घटना होती है राजस्थान क्षेत्र में, जिसमें पिंकी नाम की लड़की का मर्डर होता है। उसमें नामजद एफआईआर होती है गुलाब सिंह के विरुद्ध। तो ये व्यक्ति उसी दिन से मौके से फरार हो जाता है। तो इसके गिरफ्तारी के लिए पहले राजस्व टीम द्वारा प्रयास किया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन नियमित पुलिस को ट्रांसफर होती है, पुलिस के द्वारा इसमें प्रयास किया जाता है, परंतु ये फरार रहता है। तो इसमें सफलता मिली है, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और